हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, इससे पहले वीडियो में हमने ये सीखा था कि सी में पहला प्रोग्राम कैसे बनाते हैं और उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। उसी सेम प्रोग्राम को हम लोग फिर से एक बार बनाते हैं, मेन नाम का एक फंक्शन और साथ में हम यूज़ करते हैं कर्ली ब्रैकेट का पेयर। आप जो कुछ भी प्रिंट करना चाहते हैं एज अ आउटपुट, आप उसको प्रिंट ऑफ के अंदर लिखते हैं। सो प्रिंट ऑफ के अंदर डबल कोटेशन में मैं वेलकम लिख देता हूं। आउटपुट को होल्ड करने के लिए गेट सी एच फंक्शन, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिलार एस सी आर फंक्शन। इस प्रोग्राम को हम लोग सेव कर लेते हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूं लैब 2.c एक्सटेंशन के साथ। सो फाइनली हम लोग का ये प्रोग्राम बन चुका है और इसको मैंने सेव भी कर लिया है। इसको कंपाइल कराते हैं। सो कंपाइल कराने पर इस प्रोग्राम में एक भी एरर नहीं है। अब इसको रन करा के देखते हैं। इसको जैसे रन कराएंगे हमारे पास वेलकम मैसेज प्रिंट करेगा। अब मैं इसी सेम प्रोग्राम को सेव करता हूं लैब 2.cpp से। सो हम लोग का यही प्रोग्राम अभी प्रॉपर तरीके से कंपाइल हो रहा था और रन भी हो रहा था। मैंने इसको सेव कर दिया है लैब 2.cpp से। इसको कंपाइल कराते हैं। इसको जैसे कंपाइल कराएंगे आप देख रहे हो स्क्रीन में यहाँ पे 3 एरर शो कर रहा है। इसमें हमारा कंपाइलर ये कह रहा है सिलार एस सी आर शुड हैव अ प्रोटोटाइप, प्रिंट अप शुड हैव अ प्रोटोटाइप, गेट सी आर शुड हैव अ प्रोटोटाइप। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 एरर शो कर रहा है। मैं कुछ इस तरह से कह लेता हूँ, कंपाइलर ये कह रहा है मुझे नहीं पता सिलार एस सी आर, प्रिंट अप और गेट सी एच क्या है। मैं इसको कंपाइल करा रहा हूं और कंपाइल करने पर आप 3 एरर देख रहे हो यहां पर। अब ये एरर आ क्यों रहा है? इस एरर को समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। जैक को हिंदी आती है और पीटर को हिंदी नहीं आती है। जैक पीटर से बात कर रहा है और पीटर जैक की कोई भी बात नहीं समझ पा रहा है। अब जैक ने क्या किया, जैक ने पीटर को एक डिक्शनरी दिया और जैक ने कहा कि मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूं इस डिक्शनरी में लिखा हुआ है। और पीटर क्या करेगा, इस डिक्शनरी को पढ़ेगा और जैक की पूरी बात को समझ लेगा। मैं यहां पे ये मान लेता हूं कि जैक एक सी प्रोग्राम है और पीटर कंपाइलर है। सी प्रोग्राम में कुछ बने बनाए फंक्शन होंगे, कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शन होंगे जैसे सिलार एस सी आर, गेट सी एच, प्रिंट ऑफ। इस पूरे फंक्शन का मतलब, पीटर अगर एक कंपाइलर है तो इस पूरे फंक्शन का मतलब हमारा कंपाइलर नहीं समझ पाएगा। तो उस केस में सी प्रोग्राम क्या करेगा, उसे एक डिक्शनरी देगा और वो डिक्शनरी सी प्रोग्राम में कहलाती है हेडर फाइल। मींस जो मेरा प्रोग्राम एरर जनरेट कर रहा था, हमारा कंपाइलर नहीं समझ पा रहा था सिलार एस सी आर, प्रिंट अप और गेट सी एच के बारे में कि सिलार एस सी आर, प्रिंट अप और गेट सी एच क्या है। तो उस केस में सी प्रोग्राम में हम एक डिक्शनरी ऐड करेंगे ताकि मेरा कंपाइलर ये जान जाए कि सिलार एस सी आर, प्रिंट अप और गेट सी एच का क्या मतलब होता है। सो मेरे प्रोग्राम में एरर जनरेट कर रहा है यहाँ पे 3 एरर और यहाँ लिख कर आ रहा है सिलार एस सी आर, प्रिंट अप, गेट सी एच, सुडेवा, प्रोटोटाइप। अब यहाँ पे वही सेम काम, मुझे अपने कंपाइलर को बताना होगा सिलार एस सी आर, प्रिंट अप और गेट सी एच का मतलब। इसलिए सी प्रोग्राम में हम यहाँ पे एक डिक्शनरी ऐड कर देते हैं जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में हम हेडर फाइल कहते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे हैज इंक्लूड ताकि मेरे प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाए वो डिक्शनरी, वो हेडर फाइल studio.h मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इस डिक्शनरी में, इस हेडर फाइल में ये लिखा हुआ है कि प्रिंट अप का क्या मतलब है। हम ये कह सकते हैं प्रिंट अप जो है इस हेडर फाइल में डिक्लेयर है। इसको मैं जैसे कंपाइल करूंगा तो कंपाइल करते समय आप देखोगे इस वक्त हमारे पास 2 एरर शो कर रहा है, बट इससे पहले हमारे पास 3 एरर शो कर रहा था। और ये जो 2 एरर आ रही है वो इस वक्त सिलार एस सी आर और गेट सी एच में आ रही है। प्रिंट अप में जो भी एरर आ रही थी वो सॉल्व हो चुका क्योंकि मेरा कंपाइलर जान चुका है कि प्रिंट अप का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं सिलार एस सी आर और गेट सी एच की प्रॉब्लम को। यहाँ पे एक हेडर फाइल, एक डिक्शनरी लगाते ही हमारा कंपाइलर प्रिंट अप का मतलब जान गया। अब मैं यहाँ पे दूसरा डिक्शनरी ऐड करता हूँ, दूसरा हेडर फाइल ऐड करता हूँ हैज इंक्लूड conio.h। और इस हेडर फाइल को लगाते ही, इस डिक्शनरी को लगाते ही, या हम ये कह लें इस हेडर फाइल को लगाते ही जो हमारा 2 एरर आ रहा था वो भी सॉल्व हो जाएगा। इसको कंपाइल कराते हैं। जैसे इसको मैं कंपाइल करूंगा आप देखोगे इस वक्त हमारे पास एरर 0 आ रहा है। मेरा कंपाइलर ये जान चुका है कि सिलार एस सी आर, प्रिंट अप और गेट सी एच का क्या मतलब है।
मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, ये जो प्रिंट एफ है, ये सीआरसीआर है, ये गेट सीएच, ये सब प्रीडिफाइंड फंक्शन है, ये पहले से बना बनाया फंक्शन है, और जितने भी बने बनाए फंक्शन होते हैं उनको एक सेपरेट फाइल में रखा जाता है जिसे हम हेडर फाइल कहते हैं। प्रिंट एफ रखा हुआ है स्टडी डॉट एच के अंदर, और सीआरसीआर गेट सीएच डो रखा हुआ है वो है कोन्यू डॉट एच हेडर फाइल। अब यहाँ पर मैं इसको रन कराता हूँ। सो रन कराते ही आप देखोगे हमारे पास प्रॉपर तरीके से वेलकम शो कर रहा है। यहाँ पे ये जो हैज है इसे बेसिकली हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। यहाँ पे इंक्लूड एक कमांड है और स्टूडियो डॉट एच एंड कोनी डॉट एच जो है हेडर फाइल है। मैं इस कोड को फिर से कंपाइल कराता हूँ। सो कंपाइल कराने पर आप देखोगे यहाँ पे एक वार्निंग आ रहा है, मैं इस वार्निंग को भी अवॉइड करता हूँ। वार्निंग लिख कर आ रहा है फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, फंक्शन को कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहिए, मीन्स मेन फंक्शन को कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि मेन फंक्शन इंटरेस्टेड नहीं है कोई वैल्यू रिटर्न करने के लिए, इसलिए मैं मेन से पहले वाइड लगा देता हूं। वाइड एक जनरिक डेटा टाइप है, हम लोग फ्यूचर में वाइड के बारे में पढ़ेंगे, अभी हम लोग इस वार्निंग को वाइड करते हैं वाइड लगाकर। मैं इसको फिर से कंपाइल करता हूं। कंपाइल करने पे आप देख रहे होगे यहां पे एरर जीरो है और साथ में वार्निंग भी जीरो है। इसको रन करा देते हैं और रन कराने के बाद हमारे पास वेलकम प्रिंट होगा। सो गाइस आपको यहाँ पर डॉट सी और डॉट सीपी पे फोकस नहीं करना है, आपको ये जानना है कि हेडर फाइल्स क्या होता है और यहाँ पर जितने भी बने बनाए फंक्शंस होते हैं उनको एक सेपरेट फाइल में रखा जाता है जिन्हें हम हेडर फाइल कहते हैं। फाइनली इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे डॉट सी से, सो लैब टू डॉट सी, और फिर से कोड को कंपाइल करते हैं। मेरा कोड कंपाइल करेगा और साथ में मेरा कोड रन भी करेगा। इसको रन कराते हैं, रन कराने पर हमारे पास वेलकम। ओके गाइस, सो आप इस सेम कोड को आप खुद से क्रिएट करिए और उसको एग्जीक्यूट करिए। सो गाइस कीप कोडिंग एंड हैव अ नाइस डे।